नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचिका राय। अब योगी सरकार ने निवेश की इच्छा रखने वाले उद्योगपतियों का रास्ता आसान कर दिया है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप यूपी में निवेश करना चाहते हैं तो अब आपको सरकार की तरफ से सहयोग मिलेगा। आपको बता दें कि IIT और IIM के जितने भी लोग हैं इनको इसमें प्राथमिकता दी जाएंगी। इन्हें उद्योग मित्र का नाम भी दिया गया है जो कि सरकार की तरफ से होगा। इसमें सरकारी जो भी विभाग हैं उसमें आप काम कर सकते हैं, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आपकी होगी। आज इस पूरे वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से आप इसका हिस्सा बन सकते हैं और सरकार की तरफ से इस क्या कुछ लाभ आपको मिल सकता है। साथ ही आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए इसके बारे में भी बताएंगे और आपकी सैलरी क्या होगी इसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने IIT और IIM सहित देश और विदेश के शीर्ष संस्थानों से ग्रेजुएट्स को चुना है जो निवेशकों और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करेंगी। अधिकारियों के मुताबिक इन्हें उद्यमी मित्र का नाम दिया गया है। इनकी तैनाती अगले महीने से ही शुरू कर ली जाएगी, जिसके बारे में योगी सरकार ने भी जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 मई को ही इन सब को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इसकी जानकारी भी दे दी गई है कि 26 मई को ही जितने भी उद्यमी हैं जो निवेश करना चाहते हैं यूपी में, उन सबको खुद योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र देंगे। उद्यमी मित्र का प्राथमिक काम उद्योगपतियों को राज्य में निवेश के लिए मंजूरी दिलवाने में मदद करना, उनकी इकाई स्थापित करने की प्रक्रिया को तेज करना और उन्हें प्रस्ताव पर सरकारी प्रोत्साहन के बारे में सूचित करना होगा। सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा गया है कि मंजूरी में तेजी लाने के लिए नोडल अधिकारियों के साथ बड़ी परियोजनाओं के लिए अलग अलग उद्यमी मित्र नियुक्त किए जाने की संभावना है। इन ग्रेजुएट्स को हायर करने का मकसद सिर्फ यही है कि इस साल की शुरुआत में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान 35,000,00,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को तेजी से लागू करना है। अधिकारियों ने कहा है कि जिला स्तर पर उत्तर प्रदेश निवेश पहल का चेहरा बनेंगे। इसके साथ ही अगर हम योग्यता की बात कर लें तो आपको किसी भी अच्छे संस्थान से 60% की परसेंटेज से पास करना होगा, इसके लिए एक अनिवार्य दिया गया है। साथ ही अगर हम आयु सीमा की बात करें तो 25 साल न्यूनतम और 40 साल अधिकतम आयु सीमा इसमें रखी गई है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि कई सारी ऐसी पोस्ट हैं जहां पर वैकेंसी काफ़ी बड़े तादाद में आई हैं। उसकी बात कर लें तो एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये कहा है कि उन्हें 105 पदों के लिए लगभग 1,367 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि 709 उम्मीदवार कंप्यूटर क्षमता प्रशिक्षण के लिए उपस्थित हुए हैं। प्रशिक्षण और इंटरव्यू के बाद अंतिम चयन किया जाएगा, जिसमें कि 87 पुरुष उम्मीदवार और 18 महिला उम्मीदवार चुनी जाएंगी। इसके साथ ही चुनने के और भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जिसके तहत कहा गया है कि चुने हुए उम्मीदवार IIM लखनऊ, IIM इंदौर, IIT इलाहाबाद और IIT ग्वालियर, BHU, BIT मिश्रा, इन सब संस्थानों से पास किए होने चाहिए। यानी कि एक प्रतिष्ठित संस्थान से अगर आप पढ़ाई किए हैं तो आपको इसका लाभ मिल सकता है। तमाम जानकारी हमने आपको दी कि किस तरीके से अगर आप उद्योगपति आने वाले समय में बनना चाहते हैं और सरकार आपको पूरी मदद इसमें करने वाली है, तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप बिल्कुल इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सरकार उद्यमी मित्र करके ये योजना की शुरुआत कर रही है और तमाम जानकारी हमने दी। सैलरी की भी बात करें तो एक बड़े अमाउंट की बात की जा रही है, अच्छी सैलरी भी सरकार की तरफ से आपको दी जाएंगी। और भी ऐसी तमाम जानकारियों के लिए भारत एक्सप्रेस यूपी के साथ आप बने रहें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।